सावरकर, हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय, ये सब इस बात के पक्षकार थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए बाकी वाले बचे हुए भारत को। लेकिन भारत क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ बताइए? अगर 61 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया उसको लेकर के आप हमारी बात को काट रहे हैं, तो 47-48 में ही क्यों भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो गया? मेरा मतलब अपीजमेंट प्रोसीडर मतलब है, प्रोसीडर 71 में लाया गया। नहीं नहीं सुनो भाई, जो भारत की स्पिरिट है, संविधान की आत्मा है, उसमें पहले से ही धर्मनिरपेक्षता का वातावरण था, उसी को परिभाषित करने के लिए 61 में जोड़ दिया गया। नया संविधान बदला नहीं गया, उसी संविधान में शब्द जोड़ दिया गया स्पष्टता करने के लिए कि स्पष्ट हो जाए ये बात। तो वो केवल स्पष्ट करने के लिए वाक्यावली जोड़ी गई, वास्तव में संविधान उसी प्रकृति का पहले से बना हुआ था। महोदय हिंदू और हिंदुत्व पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। देखिए किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक योगज अर्थ होता है और दूसरा रूढ़ी अर्थ होता है। आप लोगों ने हिंदी भाषा के व्याकरण में पढ़ा होगा, योगज अर्थ का मतलब है कि योग प्रकृति और प्रत्यय के योग से जो अर्थ निकलता है उसका नाम है योगज अर्थ। तो प्रकृति क्या है इस शब्द में, माने धातु क्या है और प्रत्यय क्या है, दोनों को मिला करके क्या अर्थ निकलता है। तो जैसे पंकज शब्द है, पंकज शब्द में पंक माने होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है से जन्मने वाला, पंकज माने जो कीचड़ से उत्पन्न हो। तो कीचड़ से बहुत कुछ उत्पन्न होता है, तालाब में कीचड़ पानी के नीचे होती है, उससे जोंक भी उत्पन्न होती है, शैवाल भी उत्पन्न होता है और कमल भी उत्पन्न होता है। लेकिन ये तो योगज अर्थ है कि पंक से जो उत्पन्न हो सब पंकज है। लेकिन अगर अभी आपसे पूछें किसी को कह दें पंकज लाओ, तो कोई शैवाल घास लेके नहीं आएगा, सब लोग कमल का फूल लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि पंकज शब्द कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया बार बार प्रयोग करने से। तो ऐसे ही हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक रूढ़ अर्थ और दूसरा योगज अर्थ। जो हिंदू और हिंदुत्व शब्द है इसका योगज अर्थ अलग है, हीनम जो हीन है उसको जो दूर कर दे उसका नाम हिंदू है, माने गलती को जो बर्दाश्त ना करे, गलती को बहिष्कार कर दे उसका नाम हिंदू है। लेकिन अब हिंदू अर्थ आजकल रूढ़ हो गया, किस चीज में रूढ़ हो गया, राजनीति में। अब राजनीति का जो हिंदुत्व शब्द है वो रूढ़ अर्थ है, और उसका जो असली अर्थ है जो योग प्रकृति प्रत्यय के योग से निकलता है, हिंदुत्व माने हिंदू का धर्म, त्व माने होता है धर्म, तो हिंदू का जो धर्म है वो हिंदुत्व है। तो हिंदू का क्या धर्म है, वेद शास्त्र पुराण के अनुसार जीवन चलाना, यही हिंदू धर्म है। तो अब आजकल इसकी जरूरत हिंदुत्व में नहीं है, एक विचारधारा विशेष है जो राजनीतिक विचारधारा है उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो हिंदुत्व से इस समय पहचाने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ रूढ़ अर्थ सामने है, योगज अर्थ सामने नहीं है। धर्म की राजनीति होनी चाहिए कि राजनीति पर धर्म पे राजनीति कर रहे हैं? देखिए धर्म अलग वस्तु है, राजनीति अलग वस्तु है, और आज की जो राजनीति है वो महाभारत और रामायण के समय की राजनीति नहीं है। उस समय की राजनीति इतनी ऊंची थी कि वो भी धर्म हो जाती थी, लेकिन आज की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। आज की राजनीति यह है कि कैसे भी करके सत्ता को प्राप्त करो, और सत्ता को प्राप्त करके तब हमारे मन में जो चीज है उसको इम्प्लीमेंटेशन करो। तो अब सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता है उस रास्ते का विचार छूट गया है। पहले की राजनीति में सत्ता की प्राप्ति के लिए जो रास्ता हम अपनाते थे उसका भी विचार होता था। तो आज की राजनीति अलग तरह की राजनीति है, ये गोलबंदी की राजनीति है। हमारी गोल में अगर आप आ जाओगे तो आप कैसे भी हो हम अच्छा आपको कहेंगे, हमारे गोल से अगर दूसरी गोल में हो। और आज की राजनीति ऐसी नहीं है कि जहां कुछ अच्छा है उसको अच्छा कहे, बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, या तो इधर रहो या तो उधर रहो, अगर हमारे साथ नहीं हो तो हमारे विरोधी हो, ऐसा मान करके गोलबंदी होती है। हमारी गोल में आओ तो सब अच्छे, और दूसरे गोल में हो तो कितने भी गुणी हो सब खराब, ऐसी परिस्थिति है। तो इस राजनीति को धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों का ये कहना है कि धर्म के लोग धर्म की बात करें, राजनीति के लोग राजनीति की बात करें। आपके मतदान के बारे में प्रश्न करते हैं, दूसरा कोई आपके ध्यान में नहीं है, बहुत से लोग चमत्कार दिखा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की क्या बात स्वामी जी, बहुत बात चल रही है हिंदू राष्ट्र, स्वामी जी हिंदू राष्ट्र को लेकर बात चल रही है जो। देखिए हमने
किसी राजनीति के प्रवश होकर के नहीं, किसी संस्था या व्यक्ति के पक्ष में या विरोध में नहीं, बल्कि एक सिद्धांत की बात कही, और वो ये कि अगर हम लोगों को धर्म निरपेक्ष राज्य जो इस समय स्थापित है, पिछले 75 वर्षों से हम उसका अनुभव कर रहे हैं, अगर उस राज्य से हमको असंतोष उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद धर्मनिरपेक्ष राज्य से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको किसी और दूसरे दृष्टिकोण वाले राज्य की आवश्यकता है, तो फिर हमको राम राज्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि राम राज्य जो है वो हिंदुओं का ही राज्य है और आदर्श राज्य। आज तक किसी व्यक्ति ने राम राज्य की आलोचना नहीं की है, दुर्भावना वालों की बात अलग है।